जो भी चाहिए Z5 ऐप पर, बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। तुम्हारी पसंद पे ना मुझे वैसे भी भरोसा नहीं है। क्या करते हैं आप? अरे किसी का घर वीर खाली कराने का आएगा ना तो अपुन को बोलने का, लड़की को मस्त तैयार करके रखने का, अपुन कल ही सब फुल टू फाइनल करने वाले। आपको सगाई की बहुत बहुत बधाई। लड़की कहाँ से है? कोई देशमुख परिवार करके, ये देखिए। राहुल इंटरनेशनल नंबर से? उसका पुराना नंबर तो शादी के दिन से बंद था। अब अरे तो पता करो दी, उनसे मिलकर आओ, हो सकता है राहुल की कोई मजबूरी हो। क्या आप अपने पहले प्यार को यूं ही जाने दोगे? लो आ गए भाई और भाभी। अरे राधिका बेटा वरमाला उठा, देख भैया भाभी आ गए। राधिका रुक। अरे दरअसल बात यह है, वेदांत बस तब सफाई देना जब मैं तुझसे पूछूं। और तू पूर्वा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने चली थी। पूर्वा काफी टाइम से बोलना चाहता था, कल रात कोशिश भी की तुम्हें बताने की पर वेदांत का मैसेज। तेरा फोन कहाँ है? पता नहीं, ती तो आपसे प्यार करती ही नहीं है। मैं आपसे प्यार करती हूँ ती के देखने से पहले ये मैसेज डिलीट कर देती हूँ। पंखुड़ी अम्मा, कल अस्पताल में एमपी साहब आए थे और आपके इस लाडले ने उनकी कर दी बेइज्जती। इस बार तू बहुत गलत उलझ गया है गुदड़ी लाल, मैं उनसे मिलकर उनसे माफी मांग रहा हूँ। तू माफी मांगेगा और वो माफ कर देगा? 50 लाख रुपए मांगे हैं उसने पार्टी फंड के लिए, वरना अस्पताल बंद। एक 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 रुको रुको रुको, कुछ गड़बड़ लग रहा है, बॉम्ब भी हो सकता है। एक मिनट पीछे, वेदांत वेदांत बेटा संभल कर। दुश्मन के पास लाख गलत तरीके हैं पर इतनी ताकत नहीं कि मुझसे मेरे दादाजी का हॉस्पिटल छीन ले। अब एक शरीफ इंसान इन गुंडों की शराफत निकालेगा, इनको इन्हीं के तरीके से हराऊंगा मैं। और देख लिया सबने इस राम को, अब कृष्ण रूप दिखाऊंगा, दुनिया वेदांत गंगाधर त्रिपाठी का एक नया चेहरा देखेगी। वेदांत अपना फैसला सुना चुके हैं दादी, और तू गई नहीं अब तक। रुको पंखुड़ी, झगड़ा अगर भाई और भाभी का हुआ है तो ये क्यों जाए? नहीं जाएगी पंखुड़ी। तेरा दिमाग अभी ठिकाने लगाऊं या बाद में? किस हक से रुकेगी वो? हक है इसका। प्यार करता हूं मैं इससे। शादी करने वाला हूं। और अगर ये इस घर से जाएगी तो मैं भी घर छोड़ दूंगा। एक बहन घर को बर्बाद करने पे तुली है और तूने दूसरी के साथ प्यार के किस्से शुरू कर दिए। ती, मैं आपको सच बताती हूँ, ये सच नहीं है। पंखुड़ी, तुम मेरे होते डर रही हो? मैं सच कह रही हूँ संजू। ती, अब मेरी बात सुनो, ये जो बात देखो पंखुड़ी, आई नो कि तुम प्रेशर में आके ये सब छुपा रही हो। संजू, तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे दोनों बहनें जो चाहती हैं तू वही कर रहा है, ये चाल है इनकी। चाल वाल पंखुड़ी को नहीं आती पापा, वो तो बहुत अच्छी है, उसी ने मुझे पढ़कर पास होने के लिए बोला था। नहीं तो आप तो चाह रहे थे कि मैं फेल हो जाऊं।
अभी के अभी लेके जाओ इसे, लेके जाओ इसे। संजू चल, चल यहाँ से। एक मिनट, चिंता मत करो पंकु, इन लोगों की हरकतों से हमारे प्यार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो I'm so sorry. मुझे डिवोर्स नहीं, बस आप चाहिए। और आपने तो कहा था ना कि थैंक यू उसका अकाउंट साथ में कैश करवाई, तो रोका क्यों नहीं आपने मुझे? I love you, Veda. आज सवेरे पूजा में बैठे बैठे बार बार मने आभास हो रहा था जैसे राजेश्वरी की जान खतरे में। क्या चाहिए तने मोहिनी? बदला। ऋषभ पता है कि तुम निखिल से भी घटिया इंसान हो। निखिल सामने से बदला ले रहा था, तुम झुके से बदला ले रहे थे ना? मदद की शक्ल में आप उनसे बदला लेना चाहते थे? हाँ ले रहा था। आपने उसी की आरा को धोखा दिया जो आपको डैडा बोलती थी। हाँ मैंने धोखा दिया, मेरा दिमाग खराब हो रहा था प्रज्ञा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भरोसा नहीं कर रहा, वो ढोंगी है, वो बहुत शातिर इंसान है। बस जीनत, बस ठीक है, मां की कसम खा के कहते कि हम झूठ नहीं बोल रहे। मैं ये बात कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, इनका दिमाग की तवज्जुफ थोड़ा हिल गया है। तुमसे ना हो पाएगा, मैं कल देखिए। ये कौन है? आज सारे राजों पे से पर्दा उठेगा दादू। यही है ना वो जिनसे मिलने आप जाते थे? आज तो आपको सच बताना ही होगा जिंदल साहब। बंद करो अपनी ये जासूसी, अब तुम जानती भी हो कि तुम क्या करने जा रही हो। जो एक पत्नी को करना चाहिए। हाय ये तो तीन तीन का सच क्या है बड़ी अम्मा? कब तक छुपाती रहेंगी आप? ए बकवास बंद कर, चिल्लाइए मत। सच का पता तो मैं लगा कर रहूंगी। घुंघरू के अग्रवाल परिवार में आने की वजह के पीछे है कौन सा चेहरा? मैंने उस घर में अपनी जगह बना ली। अब कुछ ही दिनों में इस महाभारत का अंत होगा और जीत तुम्हारी होगी। क्या वेदिका पता लगा पाएगी इस नए दुश्मन और घुंघरू के सच का? पागल कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रहे हैं। मलर मार देगा मुझे अनु, तुम्हें कसम है मेरी जान, बचा लो मेरे अनु, मलर से बचा लो मुझे अनु। मुझे केशव की गिरफ्तारी के वो कागज मलर की फाइल से अब भी निकालने होंगे, वरना अगर केशव मलर के हाथ आ गया तो वो जरूर उसकी जान ले लेगा। भाई चाचू, क्या शान निवेदिता को दिए हुए वादे को तोड़कर अस्मिता को वापस अपनी जिंदगी में ला पाएगा या नहीं? आप सही कह रहे चाचू, मैं अपने कुचकी को वापस लाऊंगा, लाऊंगा मैं उसे वापस। जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।